हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ए ब्रांड न्यू स्ट्रीम। वेलकम बैक टू जापान। तो हम लोग फाइनली जापान आ चुके हैं। इससे पहले मैंने एक और स्ट्रीम किया था, वो बिल्कुल 15 मिनट, मतलब 6 मिनट बिल्कुल परफेक्ट चला, एंड उसके बाद वो कट हो गया इस बिकॉज उसमें लैग हो रहा था कुछ। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा था जिससे तुम लोग का चैट यहाँ पर आए, मेरा लोगो यहाँ पर आए, एंड बहुत सारी चीज़ें आए, लेकिन उसमें कुछ तो लैग हो रहा है। इवन दो मेरा नेटवर्क का सीन नहीं था, कुछ तो लैग हो रहा है। तो अभी मैंने एक सीन किया है कि जो अभी के लिए सोल्यूशन था, जो अभी मैं सोल्यूशन कर सकता था, वो मैंने किया है, एंड तुम लोग के पास एक स्ट्रीम जा रहा होगा अभी। तो आई होप तुम लोग को बिल्कुल सही से देखिए, मेरा आवाज़ बिल्कुल सही से आ रहा हो, थोड़ा सा चैट वगैरह नहीं दिखेगा, बट दैट इज़ ओके आई गेस। सब लोग मेरे को देखे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं भाई। तो अभी पॉइंट ये है कि अभी हम जा रहे हैं 24/7, ठीक है ना, इस बिकॉज हमें भूख लगी है और हमने कुछ खाना नहीं खाया। ओ माई गॉड मनु, ओ माई गॉड, वट कार इज दिस? ये कौन सी गाड़ी है? आई मीन हम घुस थोड़ी ना रहे हैं उसमें। चैट ये कौन सी गाड़ी है, कोई बता सकता है? GT, आई डोंट नो ब्रो, कितनी सुंदर लग रही है यार, ये तो मेरे से भी बड़ी है मनु, ये तो मेरे से। ओके आ जा। ओ माय गॉड भाई, वो चैट बहुत ज्यादा सुंदर थी वो गाड़ी। ओके तो हमें क्रॉस करना है, एंड वो है उधर साइड 24/7, वहां से हमें कुछ खाने की चीजें लेनी है। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे एंड उसके बाद विल गो टू शिबुया। ओके कम 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 कम, यहाँ पे लोग राम राम भी करते हैं, अभी तक उसने ऐसी ना राम राम। GTR है डूड, वो कितनी सुंदर लग रही थी, लेकिन भाई भाई वो सच्ची में बहुत सुंदर गाड़ी थी। लोग मेरे को बता रहे कि वो GTR थी, निसान GTR उधर साइड खड़ी है। शिट, कोई क्लिप करके डालो, रचित फाइंड निसान GTR फॉर द फर्स्ट टाइम। कल मेरे को पता लगा यहाँ से टैक्सी से अगर हमें एयरपोर्ट जाना है तो तेरे को पता कितना रुपये लगेगा हमारा? चैट गैस करो, फ्रॉम टोक्यो लाइक 30 किलोमीटर का रास्ता अगर तुम्हें पार करना है टैक्सी से, ठीक है ना, अगर तुम्हें एयरपोर्ट जाना है तो तुम्हारा कितना पैसा लगेगा? तू अंदाजा लगा, 500 मतलब 500 रुपये, उससे ज्यादा 1000 से भी ज्यादा। चैट तुम लोग गेस करके बताओ, अगर 30 किलोमीटर तुम्हें जाना हो जापान में एक लाइक यू नो टैक्सी के अंदर, तो तुम्हारा कितना पैसा लगेगा? कौन भाई, बहुत इजी है पता, अगर तुम्हारे सामने कैमरा होगा ना तो बहुत ज्यादा इजी है। इनको पता मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ तो वो बहुत फ्रेंडली हो जाता है। 5500 रुपए, आई डोंट थिंक सो, वो GTR नहीं थे जितना मेरे को लगता है, यहाँ पे लगता है 15,000 से 20,000 रुपए, 15,000 से 20,000 इंडियन रुपीज एग्जैक्टली 30 किलोमीटर जाने के लिए। ओके चैट, तो अभी हम लोग लेंगे यहाँ से, दिस इज 24/7, तो इस तरीके की बहुत सारी ग्रोसरी स्टोर्स है, ठीक है, मेरे को भूख लगी है। आरती देखो क्या खाना है। ओ शिट, कल मैंने आरती इसमें कोई एक चीज़ देखी थी, तू अपनी आंखें बंद कर। फॉर सम रीज़न ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, कल मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, एंड इसमें देखो पता क्या होता है, इसमें एक DVD भी होती है अंदर, फॉर रियल। यहाँ पे बहुत जापान में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन, आई मीन सर हम क्या करूँ, मैं तो यहाँ पे नॉर्मल है। देखो जापान में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, नॉर्मल जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं जहाँ पे तुम खाना जाते हो ना, वहाँ पे हेंटाई वगैरह एंड उल्टी सीधी चीज़ें रखी होती हैं। तो ये सेक्शन बच्चों के लिए नहीं है, तो बच्चे बिल्कुल ना इसको यूज़ करें। ओके ये है फूड। ओए मनु, मम्मी तो खाएंगे नहीं नॉन वेज, मम्मी तो खा नहीं सकती हैं। क्या खाना चाहिए चैट, तुम लोग को कुछ पता है जो यहाँ पे खाना चाहिए? मेरा ब्रदर ओसाका में है यार, आई विल गो ओसाका कुछ दिनों में। यहाँ पे वो कहाँ है? ओ ये है ना खाना, बीफ तो ऑब्वियसली नहीं खाऊंगा मैं। ओ ये तो वो है ना चिकन एंड सोया सॉस, ये खा सकता हूँ एक, ये वेज है। हाँ ओए आरती, दूरा केक बोल रहा हूँ, ये मम्मी को टेस्ट कराऊंगा, लेकिन ये अलग वाला है आरती, ये वाला डोरा केक अलग है, ये मम्मी को अभी टेस्ट कराऊंगा, ऐसे मम्मी का क्या रिएक्शन होता है। और क्या ले जाऊं मम्मी के लिए? चैट रिकमेंड मी, मैं क्या ले जाऊं? आई थिंक सो वो पिज़्ज़ा होगा, सॉस, बेकन है इसमें। बेकन बहुत गंदा बेकन, पता किसका बना होता है? डोरा केक तो मैं ले जा रहा हूँ, तुम लोग मेरे को रिकमेंड करो कि और मैं क्या ले जाऊँ खाने के लिए। इज देर एनी वेज फूड लाइक ऑप्शन? वेज, वेजिटेरियन, वीगन? Vegan. This is the chicken. Yeah, is this chicken? Gyu nan. Chicken? No, it's
पॉक पॉक ओके 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 और ये तो पॉर का चैट ओके आरती हम लोग फाइंड कर लेंगे थैंक यू बीफ बीफ ओ बीफ ओके सॉरी 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 ओ शिट ब्रो अरिगातो अरिगातो ओ शिट भाई आरती तुम्हें को देख इसमें लिखा है लुक एट दिस सब कुछ राइस एग ये है इसमें तो एग है दिस आई कैन ईट ठीक है ना सैंडविच हो सकता है ये रहा नॉर्मल स्ट्रॉबेरीज वाला वो अब नहीं खाना मुझे नहीं खाना क्या यहाँ पे तो बहुत सारे लेकिन यहाँ पे दिस इज व्हाट आई सेड लाइक यू नो चैट इन जापान तुम्हें बहुत कम ही ऑप्शन मिलेंगे इफ तुम वेजिटेरियन हो तो ये हैम एंड चीज हैम भी है बर्गर चीज बर्गर है ये लेकिन इसके अंदर क्या है इसके अंदर आलू तो नहीं लग रहा मेरे को ये अंदर तो अब हाँ बर्गर आलू का होता ही नहीं है मनु धोखे से अगर मेरी मम्मी ने वो खा लिया नॉन वेज तो डिसऑन हो जाएंगे भाई हम लोग गोली मार दी जाएगी चाहे यू नो एनी वेजिटेरियन फूड वीगन फूड हाँ वीगन वीगन या कैन यू फाइंड मी सम वीगन फूड एनी थिंग सैंडविच और एनी थिंग लेसी चैट वेज या दिस इज वेज एग मिल्क एंड नो एग या चैट आई थिंक मदद तो हो सकती है सब में यार इनके इनमें भी एग है यार इवन इनके इनके ब्रेड में भी एग है मनु दिस नो वीगन नो वो आरती ये है नॉर्मल मिल्क एंड वीट दिस इज नॉर्मल ब्रेड मिल्क एंड ब्रेड इन एनीथिंग लाइक हियर दिस आरती ये नॉर्मल राइस है यू वॉन्ट टू ईट लाइक नॉर्मल राइस जस्ट राइस एंड राइस नो करी ब्रो इसमें सब कुछ है आरती तेरी कसम सब में चैट सब में ही यही है ऑल एग हाँ इट्स ओके अरिगातो गोज़ाइमास थैंक यू सो मच हाँ अरिगातो गोज़ाइमास बाय बाय ओ भाई मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ चैट में यही कर लेते हैं आरती एंड बाद में खाएंगे ना मम्मी के लिए कॉफ़ी ले ले समझे ना हाँ गर्म कॉफ़ी ले लेता हूँ मैं रुक इधर आ आई नो गर्म कॉफ़ी भी मिलती है यहाँ पे ये नहीं है पास में वो होगा ना कोई नहीं इतना ही ले लेते हैं अभी के लिए कम इसका चेकआउट करते हैं यहाँ पे कोई वेंडिंग मशीन होगी ना वहाँ से ले लेंगे कुनिच्वा ओ या दिस एंड दैट लेज बैग या आई नीड अ बैग क्या ओ भाई मेरे पास तो आते खुले पैसे ही नहीं है अरे तेरे पास 1,200 रुपये होंगे नहीं लाए है कोई नहीं गाइस हम 10,000 रुपये देंगे पैसा ही पैसा है हमारे पास ओ या एक्चुअली इसका पैसा इसमें डालना होगा या ओके अच्छा एक कैश इस तरीके से डालना होता है उसमें चूज करके एंड अभी ओके पे क्लिक करना है ये रिसीट आएगा एंड बाकी का पैसा नीचे से आएगा नाइस अरे का तो Oh shit, boys. मैंने जापानीज़ सीख ली गाइस मैंने जापानीज़ सीख ली लुक एट मी आई एम जस्ट सो प्रो अरिगातो गोज़ाइमास डूड डोंट मेक फन ऑफ मी ठीक है ना मनु कैमरामैन दिखाओ कैमरामैन मनु अपना चेहरा दिखा रखो ये रही मनु ये रहा मैं मनु इज लुकिंग यू बट यू आर लुकिंग बेटर वेट दिस इज माय आउटफिट गाइस इफ यू डोंट नो दिस इज माय आउटफिट ओह लेट्स गो मनु सी उधर साइड से आते वो जो लेन जा रही है ना पूरा वो एक पूरा मार्केट है एंड वो बहुत सुंदर मार्केट है अभी मैं और तू ना मैं तो मम्मी भूख लगती है ना तो अभी विल गो टू लाइक हम अभी एक इंडियन रेस्टोरेंट पे जाएंगे अगर वहाँ पे सही खाना हुआ तो ट्राई करेंगे अगर नहीं हुआ तो लाइक क्योंकि हमें खाना तो खा रही है ना कुछ ठीक है ना तो वहाँ का इंडियन खाना खाएंगे ओह शिट एंड देन उसके बाद हम जाएंगे शिवैया ठीक है ना शिवैया पे इन लोगों को दिखाना है मेरे को शिवैया स्टेशन कैसा है आसपास की जगह ठीक है एंड शिंजुकू भी है उधर साइड तो वो सब कुछ मैं दिखाऊंगा एंड देन रात तक वहाँ पे घूमेंगे एंड देन मनु एंड मम्मी आई थिंक घर पे वापस आएंगे एंड देन मैं जाऊँगा अखिया बहारा थोड़ा सा नाइट लाइफ देखने और वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें प्लान करके रखी हैं
तो वो चेक करना है। ओके, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ गाइस। ये हमारा सबसे पहला घर है ऑफ टोक्यो एंड ये है उसका हाउस टूर। तो इधर साइड यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो एरिया है ना इधर साइड, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो एक वार्डरोब है इधर। या ये घर है, ये वार्डरोब है, नीचे तुम्हें जूते रखने हैं एंड देन तुम आते हो अंदर, ठीक है ना। इधर सीढ़ियाँ हैं जिससे हम ऊपर जा सकते हैं, ये पूरा घर हमारे पास है एक्चुअली। एंड देन हम आते हैं इधर साइड। मैं थोड़ा सा और लंबा होता तो इसमें टकरा जाता मैं, क्योंकि कितना नेक सा बचा होगा ना ये, ठीक है। फिर हम अंदर आएंगे, ये एक हमारा रूम है, ठीक है। मेरी मम्मी स्ट्रीम देख रही थी, मम्मी स्ट्रीम देख रही है भाई उधर से। चैट एवरीवन से हाय मम्मी जी। देखो मैंने मम्मी को तैयार किया है, मम्मी खड़ा हो ना, ठीक है ना। बताओ, ये एक्चुअली मैंने मम्मी को तैयार किया है ये वाला लुक। तो मम्मी को भाई, अब कोई कोई कह सकता मेरी मम्मी ने सिर्फ 10th तक पढ़ाई करी है या वो गाँव से है? देखो एक नंबर मैंने भाई फुल फौजी बना दिया है। कल मेरे को एक लड़की है, ठीक है, मेरी दोस्त है, उसको पता है कि पापा आर्मी में है, तो मैंने फोटो डाली तो बोला यार आपकी मम्मी, बोलती है आपकी मम्मी तो भाई फुल टिप टॉप फौजी लग रही है। मैंने कहा ऑलरेडी टिप टॉप एक नंबर फौजी है मेरी मम्मी, फौजी लग रहा है, जापानी नहीं लग रहा, जापानी भी तो क्या ऐसे नहीं लग रही, फुल चौड़ लग रही है। तुम इतना क्या सोचते? कल यार मेरी मम्मी इतना कम वो हो रही थी, बोल रही थी मुझे तो जैपनीज नहीं आती और मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो वो कुछ सोचेंगे नहीं ऐसे, मुझे तो ये समझेंगे वो समझेंगे। मैंने कहा उन्हें हिंदी नहीं आती, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम इतना क्या सोच रही हो, उन्हें खुद कुछ नहीं आता सच्ची में। तो यार लाइक ये गाइस हमारा सबसे पहला लाइक एक नीचे वाला कमरा है शो दिस, ठीक है। ये छोटा सा रूम है, ये मैंने अपने लिए रख रखा है, ठीक है, क्योंकि इसमें टेबल वगैरह था ना, तो ये वाला सेटअप मैंने अपना कर रखा है, यहाँ से मैं देख सकता हूँ चीजें सब कुछ। एंड ये इनकी लाइट है, इनका लाइट को ना तुम ऐसे बंद चालू कर सकते हो। ओए हाँ खुल गई, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें ऊपर का, आ जाओ। नीचे भी है। सो ये एक किचन है, ये रहा किचन, ठीक है ना, छोटा सा, क्योंकि मेरे को होटल में नहीं रुकना था, मेरे को ऐसा चाहिए था कि जिस दिन हमें कुछ खाना बनाना हो ना, ओ माय गॉड कितना सुंदर लग रहा मैं, ओ माय गॉड मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। तो ऐसा चाहिए था, अगर आई मीन हमें किचन विचन में कुछ खाना बनाना हो, जैसे मैं अदरक भी लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं पता था अदरक मिलती है कि नहीं, मम्मी लेके आई है, तो जैसे चाय पीनी हो, और मम्मी मैगी भी लेके आई है, तो मैं लग रहा हुआ कि मेरी मम्मी लाइक कुछ लाई नहीं है, मेरी मम्मी भाई पूरा सामान भर के आई है इंडिया से मैगी वगैरह, अगर यहाँ पे कुछ ना मिला तो। तो ये एक छोटा सा इनका ये है किचन, इधर साइड है वॉशरूम का एरिया, ठीक है। तो ये है यहाँ का वॉशरूम, ये है बाथटब छोटा सा, ये भी इतना छोटा सा है ना, ठीक है। एंड ये है लाइक इनकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ओके मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऊपर का, ठीक है ना। तो इधर से सीढ़ियां जाती हैं, या ये बहुत स्लिपरी है, ये वाली सीढ़ियां बहुत स्लिपरी हैं। एंड इधर से जाते हो तो इधर एक ये है, मतलब ये वॉशरूम है एक छोटा सा, एंड इधर मतलब सेम वैसा ही वाला वॉशरूम है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये इंडियन टाइप का वॉशरूम है, जैसे हमारे इंडियन वॉशरूम्स होते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद एक है ये डोर, एंड ये तो तुम्हें पूरा भाई, ये तुम्हें पूरा डोरेमोन की याद दिलाएगा। तंतना तो ये घर मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि ये घर ना पूरा ऑथेंटिक टाइप का, जो पुराने घर होते ना जापान के ना, वो जैसा फील देता, अति देता नहीं है तेरे को ये घर, लाइक नॉर्मल जापानीज जो घर होता ना वैसा फील देता है। तुम्हारा डोरेमोन में ना एक क्वेश्चन होता होगा कि डोरेमोन ना वो नोबिता के घर में कैसे रह लेता है, ठीक है ना, वो तो इतनी छोटी सी जगह होती है, मेरे मन में भी यही क्वेश्चन था। अब लुक एट दिस, ये अंदर से ब्रो बाबा ये चैट, क्या तुम मेरे को सुन पा रहे हो? ओए खोल क्यों आरती, ए खोल, ये अंदर से खोलने में हार्ड है बढ़िया, लाइक ये अंदर से बहुत ज्यादा बड़ा होती है भाई ये चीज, तो अंडरस्टैंडेबल है कि लाइक डोरेमोन इसमें कैसे सोता था। एंड ये पेंटिंग है जो कि मेरे को सरस्वती जी की याद दिला रही थी, ये पेंटिंग मैंने पहली बार देखा ना, तो आई वाज लाइक ये तो सरस्वती जी जैसी दिख रही है। तो या एंड इसके बाद एक और रूम है चैट, एंड जो कि है दिस वन, तो लुक एट दिस। तो यहाँ पर ना एक्चुअली दो बेड है, ठीक है, ये दो बेड रहे एंड ये रहा, तो यहाँ पर मैं बैठ सकता हूँ। तो तीन बेड्स एंड एक एक्स्ट्रा वो रूम, एक्चुअली इस रूम में, इस वाले जो पूरे घर में है ना, वो 8 लोग रहते हैं। पहले अगर मैं श्रिंकल डेस्क एंड हम सारे लोग आते ना, तो यहाँ पे सारे लोग रह सकते थे, बट हम यहाँ पे सिर्फ 21 तारीख तक है, मतलब 21 तारीख को हम यहाँ से निकल जाएंगे और हम एक दूसरे घर में जाएंगे क्योंकि हम दूसरी सिटी में जा रहे हैं। तो ऐसे करके कोई चैट में पूछ रहा है कि ऐसे दूल्हे के लिए दहेज देना होगा, लाइक मेरी शादी तुम दहेज के साथ कराओगे कि विदाउट दहेज? दहेज हमारे यहाँ तो सी चैट, मैंने इसमें कुछ नहीं बोला, ये तो मम्मी ने बोला। तो विदाउट दहेज नहीं करोगे तुम? तो आ, आ कर दिया, तुम्हारा
अच्छा तो दहेज में तुम क्या लोगे? फॉर्च्यूनर? मेरे को तो खुद ही दहेज चाहिए। अरे यार ये एक्सपोज। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है लड़कियां, देखो मेरे को दहेज वहेज नहीं चाहिए, ये सब नकली बात है, मम्मी ऐसे ही बोल रही है, ठीक है ना। मुझे बस एक अच्छी प्यारी सी लड़की चाहिए। सो गाइस मेरी मम्मी ट्राई कर रही है पहली बार डोरा केक। ये आपने देखा था किसमें आता था? किसमें आता था ये? डोरेमोन देखा है? हाँ, तो डोरेमोन को नहीं ये पूरा पसंद था, तो ये डोरा केक है। खा के देखो, ये ओरिजिनल है, एंड खा के देखो बताओ कैसा लग रहा। सच सच बताना, बिल्कुल सच सच, कैसा कैसा लगा? अच्छा लगा ना ये? इसकी ये इसकी बना किससे होगा? ये चावल जैसा लग रहा। अंदर जो इसका मीठे मीठे है ना, वो चावल का है। रुको मैं दिखाता हूँ। चैट लुक एट दिस, इसके अंदर ये जो है ना, ये चीज चावल की है, ये चीज चावल की है, एंड ये वैसा है। मैं चख लूं वैसे सच्ची। खाओ। ओके चैट, एंड हियर वी गो, डोर लॉक्ड। देखो मम्मी तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें लग रहा होगा यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ पे होगा, है ना? हम ये किधर साइड जा रहे हैं, बट व्हाट इफ आई टेल यू, हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हम एक गली में आएंगे, और उस गली में तुम अपनी आंखें बंद करोगी, और जब तुम अपनी आंखें खोलोगी तो हम एक बिल्कुल ही अलग ही जगह पे होंगे। तुझे भी बिलीव नहीं हो रहा ना? नहीं मुझे बिलीव हो रहा है। तुझे बिलीव हो रहा है? तुम्हें चैट अगर बिलीव नहीं हो रहा ज्यादा तो सच्ची में। देखो तुम्हें लग रहा ना यहाँ पे दी एंड है, आगे देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा पूरा दी एंड है। हाँ। लग रहा है ना? हाँ। मैं तुम्हारी आंखें बंद करूंगा, ठीक है ना, और तुम्हें बस एक जगह पे ऐसे घुमा दूंगा। यहाँ पर एक वो होती है, पूरा लिफ्ट है, तो वो तुम्हें बिल्कुल दूसरी जगह पे पहुंचा देगी। सच्ची में अभी भी बिलीव नहीं हो रहा, मनु को भी बिलीव नहीं, चैट को भी बिलीव नहीं हो रहा होगा। तुम्हें अभी दिखाता हूँ, ठीक है ना, अभी दिखाता हूँ। अब अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो, ठीक है ना। आ जा आरती, एंड बस तुम्हें सीधे चलना है। अब तुम्हें बोलना है आल तू तलाल तू जय खलागा दा, ऐसे बोलो कुछ कुछ बोलो, बोलो हकुना मत आता, बोलो हकुना मत आता, बोलो एक और बार, बस जस्ट एक और बार। एंड लुक एट दिस, आगे दूसरी जगह पे। अब तुम बताओ कहाँ से आई थी, कहाँ गई गली तुम्हारी? देखो इधर कहीं तो गली कहाँ है, गली नहीं है इधर। ना, ऐसी नहीं थी, तुम पागल हो गई हो मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम आई हो बिल्कुल नई जगह पे। चैट देखा था तुमने, मैं मैजिशियन हूँ मनु। सारे लोग चैट सारे लोग बोल रहे डब्लू मैजिशियन। ये होगा मम्मी अंदर खाना, वैसे अंदर भी बैठ सकते हैं, नॉर्मली ये है, समझे ना। ये रोटी देखो कैसा है, ये नान है। आ जाओ वेलकम, क्योंकि खाना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। हेलो मम्मी, हम नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, हम वेज खा रहे हैं। अरे वेज के लिए तो हम इधर साइड आए हैं यार, क्योंकि मम्मी को नहीं खाना नॉनवेज। जब मैंने तुम्हें पहली बार बोला था कि यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है ना, कुछ भी नॉन लाइक वेजिटेरियन, और अब तुम्हें इतना दिक्कत हो रहा है, तो अब आपको कैसा लग रहा है? नहीं, तो जो तुम थोड़ा लेके आई हो महंगी, उससे मम्मी तुम्हारा वजन थोड़ा घटेगा। जब से आए तब से एक बार कोई नहीं। यहाँ पे एक कैफे होता है, वहाँ पर बिल्लियाँ ही होती हैं, तो तुम्हें बिल्लियों को खिलाना होता है, इन खाना खाना होता है, ऐसा ही होता है ना साइज से, है ना। तो हमें ले जाओगे मुझे प्लीज? हाँ अभी तो जाएंगे ना। नहीं भैया, बिल्लियों को नहीं, बिल्ली मेरे पास है। आंटी लुकिंग सो प्रेटी ऑब्वियसली मम्मी। सो आज से 6 साल पहले जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, एंड अब तो उसमें तुम्हें कैसा लग रहा है, कुछ तुम्हें अंतर दिख रहा है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? मतलब 6 साल पहले जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो तुम कितना घबराती थी, पता ये क्या करेगा ये। हाँ तो अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसा फील आ रहा है? हाँ मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं जापान से जाऊंगी। तो तुम्हें अभी तक जापान कैसा लगा? अभी तक तो बहुत अच्छा है, यहाँ की सफाई मेरे को बहुत अच्छी लगी। और क्या क्या उनको बताओ कि जापान में और क्या क्या अच्छा लगा? अपने यहाँ इतनी किचन नहीं अच्छी होगी, इतनी अच्छी यहाँ सड़कें गलियाँ। अच्छा है ना, और क्या अच्छा है? और यहाँ के जिस घर में मैं आई हूँ उसमें पहुँचा तो है ही नहीं, लेकिन है बहुत सफाई उसमें, है ना। विदाउट पहुँचे के कितनी सफाई होती है वहाँ, तो हमारे यहाँ डॉग घूम रहे हैं, कैट घूम रहे हैं, छोटे छोटे घोड़ा बच्चे घूम रहे हैं, इधर डालते कागज कहीं इधर फेंकते कहीं इधर। यहाँ पर एक्चुअली मैं मम्मी यही बोल रही थी, यहाँ पर तो कोई कुत्ता ही नहीं है यार, यहाँ पर तो कोई कुत्ता ही नहीं है, कोई तो कुछ दिखना ही नहीं है। तो तुमने सोचा था कि दूसरा विदेश तुम्हारी नज़रों से अगर मैं किसी दिन सो जाती और तुम कोमा में चली जाती, ठीक है ना, एग्जांपल में, और तुम
उठती 7 दिन के बाद और फिर तुम इस जगह पे उठती और मैं तुमसे बोलता था कि तुम 7 दिन के बाद नहीं, तुम 10 साल के बाद उठी हो। हाँ तो और तुम्हें ऐसा बिलीव नहीं होता कि यार बात तो सही है, अब तो कितनी चीज़ें चेंज हो गई, तो तुम बिलीव कर पाते कि ये रियल है सब? नहीं नहीं कर पाते ना। तो अब इंडिया और इसमें कितना अंतर है जापान? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है ना। अपने यहाँ तो हर गलियों में हर सड़कों में बड़ा उधम कटता है, खिचिर खिचिर होती रहती मार पटाई, यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है। वही प्यूडीपाई इसी में रहता है वैसे मम्मी, और यहाँ चाहे बुढ़े हो चाहे जवान हो सब एक से ही दिखते, सब एक से ही दिखते चिकने। ये कितना रेसिस्ट बोल रही है, चिकने चिकने नहीं बोलते हैं ऐसे, चिकने चिकने से क्या दाढ़ी नहीं होती इसलिए। बढ़िया भी होती है उसके भी इसी का तो बाल कलर भी है। देखो कैंसिल करना तो मेरी मम्मी को करना है, मुझे कैंसिल मत करना ठीक है ना। कैंसिल भाई के मम्मी भी लाइक पढ़ लेते आईएएस वाईएएस बन जाता। अगर मैं आईएएस बन जाता तो अच्छा लगता? अच्छा अगर मैं आईएएस बन जाता, मैं बन जाती तो ठीक रहता। अरे तुम अब तो तुम्हारी उम्र अभी तो तुम मेरा सोचो, तुम अभी भी बन सकती हो, पढ़ाई करो बाद वगैरह पढ़ाई करो। अच्छा मुझे ये बताओ अगर मैं आईएएस बन जाता और ये यूट्यूब, तुम में से कौन सी चीज़ चाहती हो कि मैं क्या करता, यूट्यूब या आईएएस? एक ही ऑप्शन होता, सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता हूँ अभी अभी, क्या करूँ, यूट्यूब या आईएएस, कौन सी चीज़ अच्छी होती है? आईएएस अच्छी, अपने यहाँ आईएएस अच्छा होता है, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए तो यूट्यूब ही अच्छा है। कितना भी कुछ भी कर लूँ, कितना भी कुछ भी कर लूँ, इनको बस चाहिए मैं आईएएस बन जाऊँ भाई। उसमें इनके जो ताऊ है ऑफिसर है तो वो भी कहते हैं हमारा भाई कोई बेटा बन जाता ऑफिसर, उनको तो यही है, अब यूट्यूब में कमाते उनसे जाना हो, कमा भी लिया है, लेकिन उनको तो यही है एक बच्चा हमारा हो जाता। सचिन तो वो समझा रहे बार बार, तो रचित बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, मन अच्छी लगती है। क्या बोला इन्होंने? क्या बोला नहीं समझा, मन अच्छी लग रही है, वो हमारी बेटी है, ये पापा का बेटा है। सब पता है कितना खर्चा हुआ है मेरा। हाँ नेक्स्ट टाइम से तुम्हें लाऊंगा ही नहीं, नेक्स्ट टाइम से तुम्हारा नंबर कट, नेक्स्ट टाइम से तुम्हारा नंबर कट, नेक्स्ट टाइम से सिर्फ पापा को लेके आऊँ, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम सिर्फ पापा को लाऊंगा भाई मैं, मेरी इतनी बेइज्जती कौन करता है भाई, नेक्स्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ पापा। थैंक यू। ओह शीश कितनी बड़ी है भाई, ये रिकॉर्ड करना मुझे क्यों? देखो रोटी यही क्या है, नान नहीं मैं खाते हुए। अब खाएगा भाई असली इंडियन खाना, खाओ असली इंडियन खाना। How many of you came to Japan? It's me, my sister and mummy ji. ये देखो यहाँ पर एक और वेंडिंग मशीन हर जगह, और इसमें वो चाहिए होता है, बिजली लगती है, विदाउट बिजली तो ये चलती नहीं है, समझे ना। जो ऐसा रोड क्रॉसिंग वाला होता है ना, तुमने तुमने एक चीज़ देखी अभी, यहाँ पे रोड पे कोई भी नहीं है। मम्मी देखो इधर साइड ना रोड पे कोई भी नहीं है, अगर इंडिया में होता तो वो मोटरसाइकिल वाला रुकता जैसे वो रुक रखा है, कभी नहीं। निकल जाता सीधा, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग वाला सीन था, अभी उधर से कोई क्रॉस भी नहीं कर रहा समझना, उधर से तब भी वो नहीं जाएगा, अब ख़त्म हुआ है ना तब वो जाएगा। एंड वो लोग भी देखो क्रॉस नहीं कर रहे जबकि कोई गाड़ी नहीं आ रही ना, बट वो लोग वहाँ से ना ऐसे नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करेंगे। ये चीज़ अच्छी है भाई यहाँ की। अरे यार मैंने अपनी बहन को ना फुल कैमरा में बना दिया, असली आवाज़ तो सिर्फ मेरे और मेरी मम्मी को आ रही है। अब कैसा लग रहा है वरु तुझे विजिट कासुकावे? कासुकावे भी यार हमारा विजिट करने का मन तो है। ओए तू अपने आप को, हम अपने आप को दिखा रही है भैया, कासुकावे भी जाएंगे हम चैट इस ओके। अभी तो हम शिवैया जा रहे हैं, वो भाई कितना सुंदर लग रहा था आरती, वो तुमने जितना दूर से दिखाया ना हाँ। वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। रुको यहीं रुको मैं आगे जाके फिर दिखाती। ठीक है ठीक है ठीक है। कोनिचिवा, अगर तुम्हें किसी को हेलो बोलना है ना तो तुम्हें मम्मी उसको बोलना है कोनिचिवा, बोलो सबको बोला से कोनिचिवा। ओ बच्चा आरती कितना, ये सारे कार्टून कैरेक्टर क्यों लग रहे हैं दूर दूर से, इसको देख के रहू की याद आ गई है ना, फैला ना इन्होंने बारिश वारिश ना हो जाए एंड कुछ और ना हो जाए ना, उसके चक्कर में उन्होंने ऐसे बना रखा है। ये तो उनकी लड़कियां भी सब सेम ही लगती हैं कपड़े में, लाइक जब वो स्कूल वाले कपड़े पहने होते हैं तब। ये और कितना देखो ये आरती, देखो कैमरे पे तो दिखा दो। तो प्यारा सा है भाई वो। नहीं अभी JA13 है एंड हमें JA10 पे जाना है, तो दिस इज़ इतावाशी, इतावाशी के बाद होगा इकेबकुरो, देन होगा शिंजुकु एंड देन उसके बाद आएगा शिवैया।
ओके हमें उधर चलना है, आ जाओ लेट्स गो। अभी मम्मी तुम्हें जो दिखाऊंगा वो पूरे दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया है रोड क्रॉस करने का, इतनी बड़ी रोड क्रॉसिंग, ठीक है ना, जहाँ से लोग पैदल रोड क्रॉस करते हैं ना, पूरे दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, समझे ना। और उसको देखने कर उसको देख कर ना तुम्हारा लिटरल दिमाग खुल जाएगा। और रुक, आंखें बंद कर, अपनी आंखें बंद कर, अभी मत देख, अभी मत देख, अभी मत देख, इधर आ। ये मम्मी तुम्हें ये जो कुत्ता, सॉरी ये जो तुम्हें कुत्ता दिख रहा है ना, ये वाला हाची, ये कुत्ते की स्टोरी पता क्या है, जो सामने कुत्ता की पता है स्टोरी क्या है, और ये स्टेशन इतना पॉपुलर कैसे हुआ था। ये यहाँ का कुत्ता है, एक जैपनीज कुत्ता। ये जो जैपनीज कुत्ते की स्टोरी है कि एक इसका मालिक जो था ना वो इस स्टेशन पे चला गया था, ठीक है ना, एंड उसके बाद जब वो लाइक वो मर गया था और इसको लगा कि इसका मालिक जो है ना वो वापस आएगा, और ये 20-25 साल तक यहाँ पर ही बना रहा, एंड हर दिन लाइक स्टेशन पर ही सोता था कि मेरा वापस मालिक वापस आएगा 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 आएगा, एंड उसका मालिक मर गया था। अभी लेंगे एक फ़ोटो लेंगे, वहाँ पर बहुत भीड़ लगती है। अब देखा तो यहाँ से निकलते हैं आरती, वैसे नहीं इधर तो अभी तो इधर ही घूमेंगे। ये होता है इनका मेन स्टेशन, तूने वो एलिस इन वंडरलैंड में देखा, वो इधर साइड खड़े होते हैं भाई, yes. ये वाले एरिया में, ओ यहाँ पर खड़े होते हैं वैसे वो, सॉरी आरती, ये वाली जगह समझे। ये सामने देख रहे कितने बिलबोर्ड्स हैं और कितनी, अब तुम फैशन देखना, तुम जो फैशन की बात करी ना, अब देखो, अब समझ लिया तुम्हें फैशन कुछ भी। ये भीड़ देख रही हो तुम, कैसा लग रहा, ये देखो कितने सारे बिलबोर्ड हैं, कितना सारा सब कुछ है। और अभी थोड़ी देर में ना ये पूरी रोड खाली हो जाएगी, अब ये जो लाइन आ रही है ना, तुम्हें एक चीज़ दिखाता, आओ आगे आगे आओ, अभी ये रोड ना ऐसी होगी, समझे ना। यहाँ पे तुम्हें फ़ोटो भी क्लिक करनी होती है, तुम्हें यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर सकती हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा वो सीन आता है ना। अभी ये सारे लोग उधर चले जाएंगे ना, तब देखना कितनी भीड़ लगती है, और ऐसा अभी तुम देखना ये पूरा अभी रोड खाली है ना, एंड अभी ये पूरी भर जाएगी, तुम देखना। हाँ उधर खड़ी हो मम्मी, खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो, जल्दी जल्दी खड़ी हो जल्दी, ऐसे इतना इतना पास पास पास, थोड़ा पास और करो और करो और करो, अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा, ठीक है ना, करो इधर देखो, इधर हाय करो, आओ अब तुम्हें घुमाता हूँ, ये देखो इसमें से चीजें ले सकते हैं, आगे और भी दुकानें हैं, आ जा मम्मी तुम्हें एक चीज दिखाऊं, रुको हाथ दो इधर साइड आओ, ये जो दुकानें हैं ये यहाँ का सबसे बड़ा स्कैम है। लास्ट बार यहाँ पे मैंने बहुत पैसे खर्च किए थे, लाइक इसमें ना ये वही है जो तुम पैसे नहीं डालते हो, एंड आते रुको एक मशीन ढूंढते, इधर आओ इधर आओ, कुछ अच्छा वाला तुम्हें इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, ये हेलो किट्टी वाला है, इसको डालने से ना, रुको तुम्हें बता मैंने बहुत पैसे कर रखे हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ आरती देख के, ठीक है ना मम्मी, बस 500 डाल दो, देख मम्मी मम्मी रुको तो ये कहाँ है, इसका डालने वाला क्या, हाँ एक ठीक है ना, दो एंड ये 50 का नहीं जा रहा, ऐसा तीन डाल देंगे ना, अब इसको ऐसे घुमाएंगे, घुमाओ घुमाओ इस साइड, यस आ गया, एक और घुमाओ, ये आ गया ये, एंड इसको ऐसे उठाना है ऐसे, ये वो इसके अंदर ये निकला, इसमें ये निकल सकता था, इसमें क्या निकला ये, खोलो 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 खोलो, एंड इसमें तुम पैसा दोगे ना, ये है मशीन, ये भाई खराब से निकल गया चैट कुछ, खुल तो गया, ये निकला नकली, मतलब की चेन है ये, बोतल वाला, बोतल वाला की चेन है, ये की चेन है दूध वाले उसका चॉकलेट मिल्क का, इसमें भी अगर मैं पैसे डालूंगा ना तुम ऐसे ऐसे घुमाओगी, ठीक है ना, ऐसे ऐसे घुमाओगी, एंड फिर ये तुम्हें बटन दबानी, अगर वो बटन इसने इसके पास आ गई ना तो उसको कलेक्ट कर लोगी, आरती इसमें डाल वो, एंड देन बैग में रख ले, डोरेमोन वाला, डोरेमोन मम्मी ये कितने का, ये 300 का है, इसमें की चेन मिलेगा ये डोरेमोन का, पालतू ऐसा नहीं, सुंदर तो है ना ये, यहाँ पे मम्मी बहुत सारे लोग ये खेलते हैं, क्योंकि ये तुम्हें इंडिया में नहीं मिलेगा, ये ट्राई करते पता नहीं क्या है, एक दो तीन, ओके लेट्स सी चैट क्या निकलेगा, ठीक है एक दो, सॉरी
इसमें क्या निकला, चेक करूं क्या, खोलो, ओ टेप है ये जो डीमन स्लेयर का टेप, डीमन स्लेयर का पूरा टेप है भाई इसमें तो। ये पूरा स्टोर वेंडिंग मशीन्स का है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा स्कैम होता है। पूछो क्यों, ये बड़ी है, इसमें तुम कॉइन डालते हो एंड देन ऐसे स्नैच करने की कोशिश करते हो, एंड अगर तुम जीत गए तो तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन अगर नहीं जीते, पहले तो जीतने के चांसेस कम होते हैं। ओ ये कितना अच्छा लग रहा, सीरियल में देखा है ना, ये यहाँ का सबसे बड़ा है। पता कितने का होता है, एक होता है 200 रुपये का और 3 चांसेस होती हैं 500 रुपये की, और इसको निकालना सबसे हार्ड है। ये देखो चैट को दिखाओ, ये वो है उसका है चैनसो मैन का, निकालते हैं ना यही, मैं दिखाता हूँ मम्मी इधर आओ। कौन सा अच्छा लग रहा है मनु, देखो ये भी अच्छा है, 6 चांसेस मिलेंगी, करना है देखो। कितने में ये कैसे होगा, यहाँ पे टैप करके नहीं होगा क्या, सिर्फ कॉइन ही डालना होगा क्या, रुक जाइयो। चैट सारे लोग ऑल द बेस्ट बोल देना, तो हम डाल रहे हैं 500, ठीक है, सारे लोग ऑल द बेस्ट बोल दो, आई होप ओके हो गया। ओ ये इसका तो अलग ही है, हाँ। आप करो, देखो इसको आगे करना है आई गेस, ओके ओ मतलब टैप कर रहा हूँ मैं, कैसी आवाज आ रही है भाई, ओके 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 चार है चार है चार है चार है, ओए आएगा आएगा, अब मैं क्या, अबे तुमने उठाई नहीं, अरे उठाने का वो अपने आप उठाता है मम्मी, वो अपने आप उठाएगा, ये रखना अपने पास, रुको समझ गया मैं, रुको ये वाला उठाऊं छोटू वाला, ओके अब जा रहा हूँ, ओके प्लीज प्लीज जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, ओ नहीं यार, ओ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, कितने चांसेस जी, मम्मी मम्मी तुम करो, तुम आओ, देखो इसको तुम्हें छोड़ना है जब तुम्हें इधर साइड कोई चीज ले जानी है, ठीक है ना, एंड हाँ जितना ले जाना है छोड़, अगर एक बार रोक के तो रुक गया, अब तुम नहीं नहीं अब नहीं ले जा सकती, और इसको जब छोड़ दोगी प्रेस करना है जहां पे छोड़ना वहां पर ये रुक जाएगा एंड फिर नीचे जाएगा, आपने ऐसे किया ही है, तुम्हें लग रहा इजी है ये, अच्छा ठीक है तुम करो, हाँ लो कि तूने प्रेस करके छोड़ दिया, अब नहीं होगा, अब ओ अब दोबारा करो, हाँ करो करो करो, सिर्फ 2 चांसेस इतना इधर, ओके अरे छोड़ना नहीं होता, छोड़ना नहीं होता, छोड़ना नहीं होता मम्मी, ऐसे नहीं पकड़ेगी, देखो तुम्हें दिखाता हूँ, रुको हो गई ना चांसेस शायद, 2 है अभी, जाएगा 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 जाएगा, अरे नहीं 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 पकड़ ले प्लीज, तू करियो मनु तू करियो, कर दिया तूने भी ऐसे ही, यार ये इतना बड़ा स्कैम है, ये एक भी नहीं आ रहे, ओ उठेगा क्या, उठेगा क्या, उठेगा उठेगा उठेगा, इतना नीचे लाते हुए पकड़ भाई यार, ये क्या इधर देख आरती, माइनक्राफ्ट, ये रघु को दिखा दो, रघु तो ये खेलता रहे भाई, गंदी चैट, ये गंदी एल एल, मैं क्या करूँ, स्कैम वाला सीन है यहाँ पे, किसी का नहीं होता, तुम किसी का देखोगे ना किसी का भी नहीं निकलता, हाँ ये वही है जो हम वहाँ पे गए थे ना, सिमिलर है वैसा ही, बस यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं थोड़ी, ये दारू है वैसे, हाँ ये किसने मेरा लास्ट वाले जापान ब्लॉग्स देखे हैं, तो मैं और शोपी यहाँ पर बैठे थे एंड वो मेरे को इस दुकान में लेके गई थी, अरे दे 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 शिट, आ जा 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 आ जा, ये तो मिनी सो हो गया, हाँ
आई थिंक हम पी नहीं सकते अंदर. बंद बंद कर दो इसको, बंद कर दो, बंद कर दो. यहाँ पे मोस्टली मम्मी जो चीज़ें हैं ना वो बहुत सस्ती होती हैं, लाइक चीप एंड ऑल. हाँ यहाँ से ले सकते थे को भी, जो घर पे ले जाना है वो चीज़ें यहाँ से ले ले, सस्ती हैं. हाँ यहाँ पे सस्ता मिलता है जो भी लेना ना, चॉकलेट वगैरह सब. स्टिकर्स, हेलो किटी स्टिकर्स, ये हेलो किटी स्टिकर्स मैं लड़कियों को दिखाऊंगा एंड सारी लड़कियाँ पड़ जाएंगी मेरे से. 3 सेकेंड, इट टेक्स 3 सेकेंड्स वॉइस. हेलो किटी की तारीफ कर दो, सारी लड़कियाँ तुम्हारी दोस्त. दोस्त भी नहीं, इफ तुमने हेलो किटी की थोड़ी सी भी तारीफ कर दी सारी लड़कियाँ बैठ. इट टेक्स 3 सेकेंड्स, गो टू ऑनसेन. मम्मी को भी बताऊंगा ऑनसेन का मीनिंग, तब देखता मम्मी का कहता. लास्ट बार मैं ऑनसेन नहीं गया था एक्चुअली, ओसाका जा रहे हैं. ओसाका में बहुत सारे ऑनसेन होते हैं. अपनी मम्मी के सामने सी, अपनी मम्मी के सामने ना मेरे को अपना कैरेक्टर बनाना होता है, समझे ना. यानी मुझे अच्छा खासा बच्चा बनना है. मम्मी अब तो नहीं है, अब तो नहीं सुन रही, समझे. तुम मेरे से गंदी चीज़ें मत बुलवा देना, ठीक है. अभी मैं करूँगा, एक दूसरा स्ट्रीम भी करूँगा, बट मम्मी के सामने मेरे से गलत चीज़ें मत निकलवा देना मेरे मुँह से, अजीब वाली, जिससे मेरी बेइज्जती हो जाए गंदी वाली. अगे मम्मी के आने का वेट करते हैं. बॉयज उधर साइड, प्रोता हारा जो को फैशन इज सो फकिंग क्रेजी, कितना सुंदर लग रहा है. अब यही सुंदर एक्चुअली दिल्ली में बहुत सारी लड़कियाँ करना चाहती हैं यही फैशन, बट दिल्ली में एक्चुअली ऐसी चीज़ें मिलती ही नहीं है. इनको मैं बोलूँ यू आर सो ब्यूटीफुल. भाई यार एक्चुअली कितने सुंदर हैं ये लोग. ओह माय गॉड, कोई मेरे को सिंप नहीं बोलेगा, कोई मेरे को सिंप नहीं बोलेगा. और वैसे भी मेरी तो कोई बंदी है नहीं, मैं तो बोल सकता हूँ. और ऊपर से मेरी उम्र तो 20 है, तो मैं तो ये भी कह सकता हूँ मैं तो 20 साल का हूँ, मैं तो बहुत गलीच हूँ, मैं तो लड़कियाँ देखता हूँ. मैं क्या करूँ, मेरी उम्र की गलती. इट्स नॉट माई मिस्टेक, इट्स नॉट माई स्पेस. ओह शिट, अब मेरे को लगने लगा है कि जापान मेरा ना सेकेंड एक ऐसा जगह बन गया जहाँ पे मैं जब चाहूँ तब आ सकता हूँ. लुक एट दिस फैशन टू. नेक्स्ट टाइम आएगी मैं बोलूँगा यू आर सो ब्यूटीफुल, चाहे उसको समझ में आए या ना आए, चाहे उसको समझ में आए या ना आए. नेक्स्ट टाइम आएगी मैं बोलूँगा यू आर सो फकिंग ब्यूटीफुल. एक बंदा मेरे को लिटरली बोलते हैं कि रचित ओ मेरे को लड़के दिखा दे, सही क्या मेरे को बहुत सारे. हेलो, जय श्री राम भाई, जय श्री राम. आई एम गुड, आप बताइए. अभी मेरी स्ट्रीम मेरी स्ट्रीम देख रहे हो भाई. क्या क्या नेम है आपका? आई एम गुड, आई एम गुड. राहुल, हाय राहुल. और चैट भाई मैं 2 सेकंड के लिए डरा गया, मेरे को ये क्या हो गया. आपने स्ट्रीम कैसे देखा? अच्छा ऐसे लाइव आ रहा होगा इसलिए. थैंक यू भाई. कहाँ से हो आप लोग? इंडिया से हो? इंडिया में कहाँ से? अरे उत्तराखंड तो पास में ही है भाई, मैं दिल्ली से हूँ. मतलब दिल्ली में रहता हूँ बट मैं हूँ तो यूपी से. पहले तो उत्तराखंड में, यूपी में ही था. आपका क्या नाम है? आप कहाँ से हो? उत्तराखंड के? ये दोनों पहाड़ी हो भाई. अरे भाई लेट्स गो. यहाँ पे क्या करते हो आप लोग? पढ़ाई करने के लिए हो यहाँ पे? कैसा लगा तुम लोगों को? कैसे लगते हैं आपको? मेरे को तो बोरिंग लगता है, लाइक मैं सेकंड टाइम है मेरा. मतलब नहीं, आई मीन मेरे को नहीं, मुझे नहीं नहीं पसंद है मेरे को, बट 10-15 दिन के बाद अगर अकेले रहते हो तो ये लाइक 10-15 दिन के बाद तुम बोर हो जाओगे, फिर डिप्रेसिंग है. मैं 3-4 लड़के हैं बहुत बकचोद. 7 साल से रह रहे भाई तो. आई मीन मैं, हाँ तो सही है, मैं लास्ट ईयर आया था ना, लेकिन तब सीन ये था कि थोड़ा सा बोरिंग हो गया था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत वैसे हैं ना, मतलब गाली भी दे दो तो चुप हो जाए, या और ऊपर से थोड़े से रेसिस्ट भी लगते हो मेरे को. मेरे को भी मेरे साथ हुआ था भाई, मेरे साथ. ये क्या नहीं बट अच्छा है मेरे हिसाब से, लाइक क्रिएटिविटी बहुत है यहाँ पे, तो मेरे को इसलिए पसंद है. इस बार तो मैं मम्मी के साथ आया हूँ. हाँ अरे भाई. अरे मैं पहले यहाँ से इंडियन जाते हैं ना लोग, तो मतलब बहुत सारे इंडियन जापान में तो बहुत सारे, कोई नहीं बात करता. हाँ इसीलिए, हाँ ये मैंने एक चीज़ फील करी है, मैं इनसे बोलने वाला था, मैंने कहा भाई इतने गलीज तुम कैसे हो सकते हो, तुम्हारे दूसरे देश में, एक तो दूसरे देश में जाके दूसरा इंडियन तुम्हारा भाई होना चाहिए, ठीक है ना, भाई जैसा फीलिंग आना चाहिए. एज सून एज मैंने देखा 2-3 इंडियन ऐसे, हाँ मुझे देखना लो, मुझे देखना लो ये इंडियन भाई. मैं कह रहा यार ये कितनी गंदी चीज़ लगती है यार, लेकिन ये खराब लगता है भाई. आपका जैसे आपको 7 साल हो गया, आपको भी 2 साल, तो जॉब वॉब भी करते हो आप यहाँ पे? पार्ट टाइम कैसी, कौन सी जॉब? मैकडोनल्ड्स में. और आप? मेरा कॉलेज, मैं पार्ट टाइम करता हूँ. मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया. मैंने डब्ल्यू क्या है ये भाई? कोई आई मीन मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था, बट इन फ्यूचर मैं शायद से यहाँ पर ही आऊँगा जापान में फैशन के लिए, तो शायद से आ सकता हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं बोलूँ. मेरे पास पैसे ज़्यादा हो गए थे इसलिए ड्रॉप आउट कर दिया. ओके बोल मेरी मम्मी. हेलो
ये लोग स्ट्रीम देख रहे थे, मैं डर गया भाई, मैं पीछे से आया, वाज लाइक मैं डर गया भाई कौन आ गया। ये मेरी बहन है, ये मम्मी है मेरी। ये दोनों लोग उत्तराखंड से हैं, इनको 7 साल हो गया यहाँ पे एंड इनको 2 साल हो गया। मैंने कहा कुछ टाइम पहले उत्तराखंड भी यूपी में ही था तो सेम ही चीज़ हो गई। चलो मैं मिलता हूँ आप लोगों से, मैं घूमूंगा। थैंक यू सो मच भाई, ध्यान रखना आप लोग। बाय 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 बाय। अभी शिवैया ही घूम रहे हैं हम लोग एक्चुअली। ओह माय गॉड ब्रो, ये कितनी सुंदर लग रही है, इसको देख के मेरे को उसकी याद आ गई। क्या नाम है उसका? बुलेट? नहीं बुलेट नहीं, गोस्ट राइडर। और GTA GTA वाइस सिटी में भी ऐसी बाइक होती थी एग्जैक्टली। कितनी ज्यादा, कैसे क्यों दे रही है, कितनी ज्यादा सुंदर थी। चैट, अभी हम जिस जगह पे जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं तकेसिता स्ट्रीट। एंड तकेसिता स्ट्रीट इज लाइक बहुत ही क्रेजी, बहुत अच्छा है। मतलब मोस्टली वहाँ पे कपड़े मिलते हैं बहुत डिफरेंट तरीके के। एंड जो तुमने हराजुकु स्टाइल देखा होगा ना, वहीं पे कैट कैफे भी है, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कैट कैफे एंड ऑल, तो वो सब उसी जगह पर है। ज़्यादा आगे नहीं है, हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। मनु कुत्ते मनु बिल्ली जितने छोटे से कुत्ते, रुक उधर साइड दिखा, देख। ओ बिल्ली लग रही है वो देखने में। हाँ बिल्ली तो वैसे भी नहीं है, वो कुत्ता ही है, मुझे पता है। गिटार्स, लेकिन ओ गिटार ही गिटार है इसके अंदर। मैंने वही तो बोला था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। ओ भाई मनु, ये नकली कुत्ता है? यस। ओ 2 सेकंड के लिए मुझे लगा ये असली कुत्ता है, फॉर रियल। आवाज लगी असली कुत्ता, मैं कह रहा ये कुत्ता इतना आराम से कैसे बैठा। ओ आ गए हम वो स्ट्रीट के आसपास। चैट, तुम लोगों ने मेरी वो ब्लू वाली जैकेट देखी है ना, हर कोई कहता वो ब्लू वाली जैकेट मैंने कहाँ से ली, वो मैंने एग्जैक्टली यहाँ से ली थी। ये देखा आरती, ओ डैम वो मेड पुलिस वाली कपड़े है। और ये कपड़े देख, Should I try them? तू कर नहीं सकती है, बहुत महंगी है। देखी वो फोटो अलाउड नहीं, उधर लिखा है आरती। वो ये लास्ट में मैंने ट्राई नहीं किया था, ये आरती बहुत स्वीट होता है, यहाँ के लोग खाते हैं। आगे चलना पड़ेगा, वहाँ से स्टार्ट होती है स्ट्रीट। आ जा इधर आ। ये सारे कपड़े ना मम्मी जो तुम्हें लग रहे हैं ना, नहीं लेकिन ये पुराने हैं। ये सारे जो मम्मी है ना, ये पुराने कपड़े हैं। ये कपड़े क्योंकि जापानीज लोग क्या होते हैं, ये पुराने कपड़े बहुत, ये इनका फैशन बहुत करते हैं ना, तो यूज कपड़े आते हैं, लोग बहुत पहनते हैं। ओ उसमें मैं भी दिख रहा, सॉरी। रुक जा ऐसे करना, ये कैमरे है ना, कैमरे चल रहे हैं। लग रहा ना सुंदर, यही है। तो इनमें से कौन सा लूं मनु, दिस और दिस? चैट बता, एक मेरे को पहनना है अभी, वो अच्छा लगेगा। दिस डायनासोर, मम्मी डायनासोर है ये, कौन सा अच्छा लगेगा? जो तेरा पसंद आएगा। लेकिन ये 1300 का है मनु। ऊपर वाला भी शायद। ये सारे मास्क है अलग अलग। आगे और देखते हैं। चैट तुम बताना कौन सा तुम्हें अच्छा लग रहा है। फॉक्स वाला बोल रहे थे मनु बहुत सारे लोग। मनु फॉक्स वाला बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। पहन के देखूं मैं, ना बना हुआ नहीं है, ऐसे लगेगा ये, रुको बनेगा भी मेरे। अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है, ऐसा ही रहेगा। हाँ इतना ही होता है। चैट ऐसे उठा के ले जाऊँ? या अरिगातो गोज़ाइमासु। गाइस डब्लू मॉमी इन द कमेंट सेक्शन, डायनासोर मॉमी इन द कमेंट सेक्शन। चैट इधर ही हो मनु, लास्ट बार में जो मेरी जैकेट थी ना वो रेड इधर से ही ली थी मैंने। लेकिन अभी इतने सुंदर कुछ कपड़े नहीं है जो मैं लूँ। हालांकि मेरे को लेना है कुछ हुडी वगैरह, लेकिन है ही नहीं कुछ अच्छा। जब अच्छा ना हो तो खर्चे क्यों करूँ पागल हो। साथ यार इसके इस दुकान बहुत महंगा है। आ जा मनु, बहुत महंगा है। ओ आरती ये शॉप देखते हैं, ये कौन सी, ये ना कपड़ा कैसा है? कपड़ा अच्छा है, ये भी अच्छा है एक्चुअली। ये देखो कैसी लग रही है, ये दिस लुक्स वेरी नाइस है ना। यस चैट को दिखाइए भैया, ये स्क्रूज, ये बता उसी कंपनी की है आरती? सीक्वेंस हाँ, जो मेरे पास वो वाली है ना, एग्जैक्टली वही कंपनी की है। ये लेना, ये वाला अच्छा लग रहा है ना। 5900 की है लेकिन ये, हाँ
ये बन जाएगी मेरे? बन जाएगी। आई कांट बिलीव भाई, लास्ट ईयर मैंने इसी कंपनी का लिया था और इस ईयर भी मेरे को इसी कंपनी की कोई जैकेट पसंद आई। मनो लेट मी चेक एंड मैं देखो बाहर आके दिखा रहा, ठीक है ना, कैसी लग रही है कैसी नहीं। मनो सीधा सही से कर। हाँ अंदर मैंने कपड़े वैसे डाल रखे हैं। लुक्स गुड। यप। हाँ इट्स गुड। आई थिंक खराब नहीं है, मुझे सही अच्छी लग रही है। थैंक यू, अरिगातो गोजाइमास। We got a new hoodie, boys. इसलिए हमें रील और बनाना है। मनु हाँ वेट पपी। कहाँ पे पपी? ओ उधर बच्चा है। मम्मी इधर आना। हाँ रुको। कितने वो भी हैं। वो डॉग है। यस। ओ शीश। कितने छोटू सा डॉग है यार ये। वो सामने देखो लड़ रहे हैं। इन्होंने बिल्ली का मिक्सचर बना दिया क्या? एक कम दिस साइड। मम्मी इधर आ इधर आ। ये क्या है? आते नहीं गई मम्मी। ये बिल्ली देखो खवाई खवाई। ओ शीश। अब ये कौन से तरीके के कुत्ते हैं? मनु देखो मम्मी कितनी केयर होती है खरीदने के। ओ खरीद ले, एक बार दिल्ली से खरीदवा आए तो ले ले मम्मी, ले ले बिल्ली, ले ले मम्मी। पर ये लोग अंदर बंद हैं यार। ओ मम्मी ये जो कुत्ता है सामने आरती मेरे को देखिए रील बनेगी। मम्मी ये तो तुम मम्मी पप्पी देख रहे हो यानी कुत्ता देख रहे हो, अंदाजे से तुम्हारे हिसाब से इसका प्राइस कितना होगा? अंदाजे से बताओ, जैसे इंडिया में होता तो ये कितना प्राइस होता? इंडिया में तो कितना होगा? लाए तो थे 15-15 हज़ार का। 15 हज़ार का था ना, तो मैं 15 हज़ार तेरे को आते जाना है कितने का है? 6,50,000 येन। इसका मतलब ये 3 लाख का है एक पिल्ला, ये 3 लाख का है। चैट भाई कीमत तो है इनके बहुत। या यहाँ पे जिसके पास कुत्ता है ना, जिसके पास एक डॉग है वो बहुत अमीर है। ये 3 लाख का बच्चा है। वो इससे ले खाना पानी लेते हैं वो। हाँ इधर भी है हमें। ये 7.5 लाख का। सॉरी रुक जाना। थैंक यू अरिगातो गोजाइमास। लेट्स गो। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है ये। आ जा टन टना। अब खाओ ये चम्मच से खाओ। चम्मच से खाओ। तुम्हारे लिए ला रहा हूँ मैं। आती है सच्ची में बहुत ठंडा है। खा ले। मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा। तुम खाओ, तुम खाओ। मैं नहीं, मैंने बहुत खा लिया। मैं ऑलरेडी मोटा हूँ। मैं ऑलरेडी मोटा हूँ। मेरी मम्मी और मोटा कर रही है भाई मेरे को। बट ये आइसक्रीम अच्छी है यार। अगर आज रचित किडनैप हो जाए तो मम्मी हा? अगर आज मैं किडनैप हो जाऊँ फिर ये तो है, तुम घर पे तो नहीं पहुँच पाओगी। किसकी मदद लेंगे फिर? अपनी। भाई डांस कर रोड पर ना। इतना मैं इतना इंट्रोवर्ट नहीं हूँ भाई। मम्मी ना होती तो मैं और कर देता चीज़ है। ओ कनिचुआ कनिचुआ। आई थिंक दिस लुक्स गुड आल्सो ना। ओ ये तो ऐसे ही या हाय। आई मेरे को पैंट लेना है लेकिन पैंट समझ में नहीं आ रहा कौन सा लूँ। या मोस्टली ये सब हैं। ये काइंडा ये वो नहीं लग रहा है हॉर्स क्लास ऑफ टोक्यो है ना? हॉर्स क्लास गए हो ना? हां हॉर्स क्लास की तरह। चैट व्हाट डू यू थिंक ये वाला पेन का? ये चैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन? हां रुक मैं लेट मी आस्क देम वो क्या बोल रहे हैं। यस 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 आई मीन पीपल आर सेइंग यस आई थिंक वी कैन बाय दिस फॉर इट ट्राई इट आई थिंक इट लुक्स गुड विद दैट। या या आई विल इधर आ। नॉट बैड मेरे हिसाब से। Yes. I'm buying this one. Yeah, yeah. I'm buying this one. Cause this looks like a job for me. ये है चैट इफ यू वांट टू नो 11,800 की। अरिगातो गोजाइमास। ओके ओके ओके। ओए रचित आगे कार देख। इधर इधर इधर। कौन सी? वो। रो। रचित रो फाइंड सा सुप्रा।
ये निसान जीटी आ रहा है मनु। मम्मी फिर मिल भी गई, हम यही तो बात कर रहे थे। मम्मी ये गाड़ी दिला दो दहेज में। सही वो शिट ब्रो, मनु ये रियल लाइफ में कितनी। हाँ ये गाड़ी मम्मी दिला दो मुझे। चैट क्लिप इट एंड अपलोडेड भाई। इसमें सिर्फ दो आदमी बैठ सकते हैं मम्मी, सिर्फ दो। ये इतनी मम्मी देखना ये कितनी नीचे है, नीचे से देखो। आरती ये पकड़ियो, मेरा एक फोटो क्लिक करियो यहाँ पे, ठीक है ना? हो गई, हो गया, थक गया। मम्मी आज से 3 साल, मम्मी आज से 3 साल के बाद मेरे पास ऐसी ही गाड़ी होगी। अरे तुम्हें सबसे पहले तो तुम, ये क्या होता है, एक बार मुझे सबसे पहले तुम्हें बैठा लूंगा मैं। हाँ तो सबसे पहले तुम और मैं नहीं, कोई भी हो, कोई भी हो, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ तुम। चैट ये बता सकते हो ये कौन सी गाड़ी थी? GTR। अब जो भी मेरे को बोल रहा था, जो भी मेरे को बोल रहा था, रचित भाई GTR दिखा दो, GTR दिखा दो। वेरी सर थैंक यू ब्रो, दिखा दी ना GTR मैंने। सेक्सी तो थी यार आरती वो गाड़ी, है ना? क्या मम्मी वो यार तुम पिक्चरों में दिखती हो, उससे दिखती हो फोटोज में तो लगती है नेक्सी है। ओए हाँ तो लगती ना नेक्सी है ये है। आई होप चैट तुम लोग को ये वाला स्ट्रीम पसंद आया हो। अगर तुम लोग को ये स्ट्रीम पसंद आई है तो इसको एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? और मेरी मम्मी को भूलना मत, और मेरी मम्मी को भूलना मत, ठीक है?